तरह से दुकान की सफाई करने के बाद ना हालत ऐसी हो जाती है, ऐसी हालत हो गई मेरी। हो गया दोस्तों, हो गया फाइनली। तो इसी के साथ आज का कंप्लीट जो काम है वो हो गया है मेरे यहाँ का। और मेरे हुलिया पे न जाए, कुछ ऐसा हुलिया मेरा हो रखा है। और सुबह से ही मैं साफ़ सफाई में, सुबह से क्या कितने दिन से साफ़ सफाई में हूँ। फिलहाल पानी जो है मैंने भर के रख लिया है, झाड़ू मैंने तैयार रख लिया है। और शाम का समय है 7 बजे का, और एक राउंड यहाँ को ले चलते हैं। यहाँ क्या काम हो रहा है ये देखो। और इससे पहले मैंने ये रैग जो है साफ़ किए, इनमें बहुत धूल हो गई थी सारी जगह के। और इसके अलावा यहाँ से इधर से मुड़ते ही भैया लगे हैं पेंटिंग करने में। तो इसी के साथ ये काम हो गया, यहाँ का छत का काम हो गया, और सारी साफ़ सफाई जो है बस लास्ट रह गया पानी डाल के धुलाई करना, जो मैं रात तक कर लूँगी और कल सुबह से मैं काम स्टार्ट करूँगी। तो एक राउंड आपको पूरा दुकान का दिखाती हूँ मैं आपको, और फिर बात करते हैं। उसके बाद ही मेरे को सफाई करनी है। मैंने कहा एक बार ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह से नहीं बनाया, लगातार मैं यही चीज़ें दिखा रही हूँ आपको, तो फिर आप भी बोर हो रहे होंगे। थोड़े ब्लॉग लेट आएंगे, आज है 27 तारीख, तो पूरा दुकान का ओवरव्यू आपको मैं देती हूँ। तो गाइस, नमो को खेलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है बोल रहा है। क्या नहीं बचा, मतलब कैसा जैसा चाहता है। तो फुटबॉल भी नहीं बचा, फुटबॉल तो उधर रख दिया, फुटबॉल फट गया, बंद है। हाँ उधर है पर बंद है। हाँ और बैडमिंटन के कॉर्क नहीं है। हाँ बैट बॉल की बॉल नहीं है। बाबा हो, इतने गेम्स थे, इसके सब कुछ नहीं है। तो मैं कह रही हूँ मेरे साथ दुकान में सफाई कर दे। तो छत की जो है फोसिलिंग का काम ये ऐसा रहा दोस्तों। और इस पर ये वाली लाइटें हमने लगाई हैं, और इसके अलावा ब्लू लाइट हमने लगाई हैं। और इनमें रहेगा पूरा सामान, जो भी मेरा छोटा मोटा सामान होता है टांगने टूटने वाला। मैं दिखाती हूँ आपको, ये है ब्लू लाइट जो इस तरीके से दिख रही है। और कल से मशीनें वसीनें यहाँ पर शिफ्ट होगी और धुलाई करूँगी। बाकी भैया अभी काम को जो है अपना कम्प्लीट कर लेंगे, शाम का समय है ये। तो बाजार का हाल कुछ ऐसा है, इनके हाल कुछ ऐसे हैं। कैसा लगा, आप कल से कहाँ बैठोगे आप? अपने दुकान में बैठूंगा, क्योंकि जब से काम शुरू हुआ है यहीं पर से यही देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, कर रहे हैं। और बाकी ये रहे भैया जी बिहार से, क्या नाम है भैया आपका? क्या बोला होगा? नौसाद आलम। नौसाद आलम, तो ऐसा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। चलिए, और इसके अलावा भी आपको एक राउंड छत के, मैंने ना इतना पानी भरा है, ये भरा है, ये भरा है, और भर के लाना है। और आगे भी 2 बाल्टियाँ रखी, मैंने कहा जो जहाँ पर से आ पाए, इस कमरे से लेके पूरा इधर तक मैंने धुलाई करनी है। तो ये ट्रांसफर जय करने जा रहा है पापा को, क्योंकि मम्मी और पापा भी कल ही आ गए थे गाँव से, और सभी शाम को बैठे हैं। इसकी वजह से बारिश हुई थी, बंद होगी बारिश से। बबली का कहना है कितनी YouTube की कमाई लगी, वो तो कमाई जो लगी वही लगी, YouTube का तो सिर्फ नाम था। वीडियो जल्दी जल्दी शेयर कर दो और वो पैसे वसूल करने बोल, जल्दी हो जाएंगे। कहाँ से होते हैं वो सब, मे थे सिलाई के जमा। अरे ऐसे मज़े तो कहाँ मिलते हैं यार दोस्तों। तो अभी मेरे को इसके बाद में ना बहुत काम करना है तगड़ा वाला। और मम्मी पापा लोग आ गए हैं, तो मम्मी लोग अब बरसात के दिन शुरू हो गए तो वो यहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि बरसात में गांव में होती परेशानी हो जाती है। और आजकल रोड रोड कच्ची हो जाती है, कभी ब्लॉक हो जाते हैं, आना जाना नहीं हो पाता है, खाना पीना राशन पानी वगैरह जो है बहुत कम परेशानी हो जाती है गाँव में रहना। जब पिछली बार जो हमारे मायके साइड रोड एक्सीडेंट हो गया था गाँव में, हम भी गांव में ही रहते हैं, हम शहर में नहीं रहते हैं। जब मैंने वीडियो बनाए तो लोगों ने समझा, किसी किसी ने, कि ये तो शहर में रह रही है, बोल रहे थे कि तुम एक बार गांव जाओ, गांव की ज़िंदगी जियो, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या परेशानी होती है। तो हम भी गांव से ही आए हैं, गांव का जीवन ही जिया है। जो मेरा काम है सिलाई का वो करती हूँ, अगर ये वाला काम मैंने नहीं सीखा होता तो मैं भी गाँव की ही ज़िंदगी जी रही होती, खेती पाती, गाय भैंस ये सब चीज़ें मैं कर रही होती। तो गांव की ज़िंदगी, गांव की रोडें, हालांकि बाज़ार में रहते हैं, बाज़ार का काम करते हैं, लेकिन जाते तो हम गांव ही है ना, उसी रोड से जाते हैं, वही परिस्थिति हमारे साथ होती है। इतना रात हो गया, इधर तो इतना अंधेरा हो जाता ना, फिर बारिश बरसात के दिनों तो और ही ज़्यादा। तो बेचारे भैया के दुख भरे गाने लगे हैं बहुत ज़्यादा,
बहुत दुखी है यार बेचारा वैसे ना, तो मेरे को यहाँ सफाई करनी है और आपको भी बताते रहती हूँ मैं। इसमें चढ़ती हूँ पहले, मोर पंख से छाप पड़ती हूँ इधर से। तो बेचारा जो पेंटर है, बात ही हुई थी वैसे, कितने किसी से इतना बात नहीं करती हूँ मैं, किसी से बहुत बात करी मैंने, बेचारा बच्चा जैसा लग रहा था। तो बोला 6-7 भाई हैं और अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारी है इसके सिर पे, तो इनके उसमें होता है जैसे बड़े भाई परिवार से अलग हो गया, अलग रहने लगा, वो सिर्फ अपना परिवार का खर्चा उठाएगा, बाकी किसी की शादी हो कुछ हो वो किसी को नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा सीन था, तो वो बोल रहा है जैसे अभी पेंट लगाया, सब जगह पेंट लगाया, तो उनके पैसे अभी नहीं दे रहे हैं लोग, तो नहीं देते ना पेंट, लोग होते कोई नहीं देते। और बोल रहा है जैसे शादी करनी है, बाइक सब कुछ, मशीन वशीन सारी चीज़ें जो भी होते हैं वो देना है तो देना ही होता है, और उसके अलावा भी सोने का पैरों से लेकर सिर तक पूरा देना होता है। तो अपने अपने वहाँ के अपने अपने रिवाज हैं, तो इनके उसमें कुछ ऐसे रिवाज है। और यहाँ पे मैंने प्रेस वगैरह का पॉइंट बना रखा है, जो मैंने कमाल किया था पानी से पंखे को नहलाने का, तो इससे ये वाला पंखा जो है मेरा खराब हो चुका है ये वाला, और आगे का ठीक है अभी भी, एक पंखा तो गया। लास्ट बोर्ड मान लो इसे मैं, अब इनका काम हो रहा है ये बाहर से स्टिकर निकालने का। ये पहले इसमें ना जो लिखा है आगे से दसों सेवाए, अभी तो उल्टा दिख रहा है। तो ये पहले कुछ एनजीओ कुछ संस्था थी उसमें, वो था यहाँ इस कमरे में जब इनकी दुकान थी, उसके बाद झाड़ू से भी नहीं झाड़ सकती, यहाँ लग जाएगा मेरे कपड़े तो गए दोस्तों। तो दोस्तों अपने दुकान में ना इतना सारा काम करा गए, मुझे ये लगा कि मैं जो सिलाई का काम करती हूँ उसमें बहुत ही कम पैसा है, पेंट करने वाला भी अच्छा पैसा कमा गए, टाइल्स लगाने वाले भी, छत का काम करने वाले भी, लाइट फिटिंग करने वाले भी। तो मैं इतने समय से सिलाई क्यों कर रही थी, पेंट ही लगा लेती मैं, कितना आसान है ब्रश से ऐसे ऐसे। अब तो रोलर आ गए सर्वे सर। अब ये आगे से वीडियो बिगाड़ने के लिए। खाना कौन बना रहा होगा? अच्छा है आदमी, ठीक। मैं तब तक ये जो जमीन हुआ गिर रखा है ना इसको निकालती हूँ पन्नी से, इन दो देखने आ रहे कैसे हमारा कैसे ना। हाँ पहले तो एकदम पीला कर दिया था मैंने, कहा बड़ा वो करो छत के मैचिंग का करो, मतलब तो पीला ज़्यादा ही, क्रीम करने के चक्कर में पीला ज़्यादा डाल दिया। हैंडपम्प में जो है रात को बहुत भीड़ हो जाती है, मेरी किस्मत अच्छी हुई कि पानी भी आ गया है, हमारा जो पार का पानी आता था नदी का तो मोटर निकाल दिया क्योंकि आजकल नदी भर जाती है। तो मैं फटाफट इस कमरे से स्टार्ट करती हूँ, झाड़ू से मोटा मोटा तो भर गया, वाइपर से साफ करती हूँ। मैं पानी घर से लेके आ गई हूँ, 2-3 बाटी और एक जर्किन लास्ट है मेरा। यार इस चुटिया ने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है, आधा उलझन तो मेरे को इसी ने कर रखा है तेरी। टाइल्स में इतना मस्त खिसक रहा है ना काउंटर, क्या ओ क्या अब लगाएंगे, बाद में लगाएंगे कैमरा। हश भाग फिर पहले इतना अंधेरा हो गया ना बाहर। एक बाल्टी पानी लेके आते हूँ हैंडपम्प से, यह है बाजार शमशान, यहाँ से देख रहे ना हैंडपम्प जाते हूँ।
तो फाइनली साफ सफाई हो गई, बाहर का काम भी हो गया, मार्केट बंद भी हो गई। मार्केट बंद तो पहले ही हो गई थी। तो ये रहा मेरी दुकान का नज़ारा रात का। अभी ये वाला ही इतना गंदा लग रहा है और इसमें भी कल गद्दी आ जाएगी और इसका वॉलपेपर फिर मैं चेंज करूँगी, बाद में नया लगाऊंगी। ये तो टुकड़े मुकड़े चिपका लिए थे मैंने, और जो मैंने इधर और इधर वॉलपेपर लगाया था ना उसका खाली खर्चा एक साल में ही उतारने पड़े। और कल काउंटर शीशे वगैरह ये साफ करने हैं कॉलिन से, और ऊपर के पैनल जो ब्राउन वाले हैं, वाइट वाले तो कुछ नहीं लगी, उनमें थोड़ी गंदगी दिख रही है। चमक रहा है, बड़े चमक रहा है दुकान, कहाँ जा रहे घूमने? देखो लालू ये बेचारा ना घूमते ही रहता है, रोटी देंगे नहीं खाएगा, बिस्किट चाहिए इसे, बिस्किट ही चाहिए इसको लगातार। अब तू कहाँ सोएगा? तेरे से दुकान की सफाई करने के बाद ना हालत ऐसी हो जाती है, ऐसे हालत हो गई मेरी। लालू यहाँ सोएगा अंदर? बस इतना ही काम मेरा रहता, इसको यहाँ पे खड़ा कर दूंगी। इधर ना अभी अभी पेंट लगाया था, उनमें इतने कीड़े चिपक गए ना, सारे उसी में लग गए, वहाँ लगे होंगे क्योंकि गीला था। तो फाइनली दोस्तों अब घर जाके इतना अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छी नींद आएगी मेरे को, साफ सफाई हो गई करके। तो अब ना पूरी दुकान में सिर्फ ये गंदा लग रहा है, क्योंकि पहले अच्छा था। ये पेंटर भैया ने आज ही कराई है, इसके ऊपर चढ़े कभी ना कुछ बिछाए, बोले थे ज़्यादा ही गंदा होगा, एक पेंट और लगा लेंगे इसके ऊपर। मैंने कहा पेंट क्या, अब तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। तो सारा फाइनल हिसाब किताब सारा कुछ आज डन हो गया है, साफ सफाई और हिसाब किताब वगैरह सबका। ये कम से कम इसको इस काम को करने के लिए ना कम से पांच छह प्रकार के लोग आए होंगे, लाइट वाला अलग, दीवारों का काम अलग, ये वाला सब अलग अलग काम के, और ये लकड़ी का काम वाले अलग। पर मैं सभी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ, बाहरी लोगों के साथ ज़्यादा नहीं घुलती मिलती हूँ, बातें नहीं की कमी की। तो आप बहुत खुली खुली जगह हो रही है, कल ये शीशे वगैरह कॉलिन से साफ करने हैं और मशीन में सेट करूँगी कल। ये सारा काम करने के बाद आज मन में बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है, सवाना हो गया है। अब घर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, मम्मी ने खाना बना लिया होगा। बाकी आज की ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, कैसी लगी आपको मेरी दुकान जरूर से कमेंट करके बताइएगा। बाय, मिलते हैं कल, फिर से नई शुरुआत करते हैं नई दुकान से।